जनरली तो वो गणपति जी से ही करते हैं, तो आज बॉबी मैम ने वहीं से शुरुआत की है और बस यही आशीर्वाद लेने आए हैं कि मूवी के लिए सब कुछ अच्छा रहे। कैसे सॉरी क्या मांगा? मांगा तो अभी वही है कि भाई बस मूवी जो है उसको अच्छे से सब लोग देखे और ये अच्छी जाए, उससे अलावा वेलकम। सबसे पहले हम लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति जी की पूजा करते हैं, तो आज बहुत अच्छा मौका है हम लोग का। ये आज हम लोग गणपति बापा के यहाँ पे आए अधूरे आंचल मूवी का प्रमोशन करने के लिए, और ऐसे ही बापा हम लोग के ऊपर आशीर्वाद देते रहे, और हम लोग ऐसे ही ये मूवी का भी अच्छी शुरुआत है और एंडिंग भी अच्छी है, और लोग इनको ये मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट है ये मूवी में, तो वही लोगों को दिखे अच्छे से, और बहुत लोग देखे और बहुत लोग हमको सपोर्ट करे ये मूवी देख के, तो बस यही। और गणपति जी का आशीर्वाद लेने आए हम मोरिया। बोलो। क्या स्पेशल था आज हम लोग, क्या मांगा? हम लोग ने ये मांगा कि हम लोग का जो ये है अधूरी आंचल की, तो उसके यहाँ हम लोग ने अच्छा ये अच्छा होए अच्छा ये, तो ये सब मांगा। मुझे तो बहुत ही खुशी है। हाँ मांगा है, हमारा फिल्म हिट हो और सब जगह में ये हो और सब लोग देखेंगे तो सबको अच्छा लगे, यही चाहिए। हाँ गणपति बप्पा, हम लोग गणपति के दर्शन के लिए आए। कि ये फिल्म मतलब हिट हो जाए, यही मांगा है बस। बहुत खुश हूँ। अधूरे आंचल फिल्म को लेके ये मांगा मैंने कि ये फिल्म सक्सेस हो, अच्छी हो। फिल्म तो काफ़ी अच्छी है, मैसेजफुल है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। ये फिल्म काफ़ी अच्छी है तो लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सराहे, पसंद करें। काफ़ी काफ़ी आनंद ले रहे हैं एंड काफ़ी थैंकफुल हूँ बॉबी मैम का जिन्होंने मुझे ऑफ़र दिया है, अनिल सर का, तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ इस मोमेंट को। काफ़ी कॉपरेट किया, काफ़ी अभी तो फ़िलहाल नहीं है, पर काम मिले तो ज़रूर करूँगी। थैंक यू। अपनी तरफ से बोल रहे हैं। सांतन आचार्य मेरा नाम, मैं गणपति पापा का दर्शन करने आई हूँ अधेरी आंचल की एक्टर्स हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे बॉबी जी के साथ काम करके, मैं चाहूँगी और काम मिले, मुझे खुशी हो रहा है बहुत। हाँ जरूर, मैंने ऐसा मांगा भगवान के पास से, जो हमारा फिल्म अच्छा हिट हो जाए और सब लोग देखें। थैंक यू। वीडियो बनाना, खड़ा करके भी ले, बना लेंगे। हाँ जी गणपति जी की पूजा भी की है। हाँ जी, क्या स्पेशल था, क्या मांगा गणपति जी से? आपकी एक ग्रेट फिल्म भी है। हाँ जी, हाँ जी, जी। कई प्रमोशन कर रहे हैं आप बैक टू बैक, तो क्या कहना चाहेंगे अधूरे आंचल को लेके, पूजा को लेके, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं गणपति पापा मौर्या, और मेरा नाम बॉबी कुमार है, और मेरी ब्रीड और अधूरे आंचल की अभी शूटिंग बाकी है थोड़ी सी, क्योंकि अभी रनिंग शूटिंग चल रही है, तो ब्रीड कंप्लीट है, और इंशाल्लाह जितना जल्दी अगर पापा का आशीर्वाद रहा तो जल्दी ही ब्रीड सिनेमा घरों में आएगी और सब लोग देखेंगे। अधूरे आंचल को लेकर काफ़ी आपने, हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी कैरेक्टर ढूंढ ढूंढ के लेके आए, कितना संतुष्ट है? कंप्लीट हो गई है तो कितना संतुष्ट है आपने कैरेक्टर को? देखिए, हाँ, कलाकार या डायरेक्टर जो भी होता है उसकी संतुष्टि इतनी जल्दी नहीं होती कोई भी चीज़ों को लेके, क्योंकि वो लास्ट तक चलता है फिल्म का काम, जब तक हमें पर्दे तक नहीं आ जाती तब तक फिल्म का काम चलता ही रहता है। और अधूरे आंचल ये हम जो हमारी रानू मंडल जैसी एक शख्सियत आई है, हम लोगों ने उसी को मोटिवेशन करते हुए अधूरे आंचल बनाया है,
क्योंकि एक एज के बाद जब माँ बाप, जो बच्चे अपने माँ बाप को 60 के बाद 65 के बाद रस्ते पे छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए, काम करने के लिए, वो मजबूर होते हैं। रानू मंडल तो इतना बड़ा उदाहरण बन गई है क्योंकि उनके पास तो टैलेंट था, कहीं ना कहीं वो टैलेंट बाहर आ गया। लेकिन जिन लोगों के पास टैलेंट नहीं होता है तो वो कोई ना कोई घर ढूंढते हैं। तो हमारी जो फिल्म है अधूरे आंचल, और मैं एक ट्रांस लेडी जो सावित्री बाई का करेक्टर प्ले कर रही हूँ उसके अंदर, और सावित्री बाई की जिंदगी एक कूचा मतलब कचरा बीनने के बाद उसकी जिंदगी में क्या घटना घटती है और कैसे उसका संघर्ष पूरा होता है और कैसे उसको एक घर मिलता है, तो ये हमारे अधूरे आंचल की कहानी है। हम यही से मतलब मैसेज देना चाहते हैं इससे कि जितने भी हमारे लोग हैं, यूथ है, कि जो भी बच्चे हैं बड़े होते हैं, अपने माँ बाप को उनका पूजा करें, अपने घर के अंदर रखें, उनको रोड पर भीख मांग ले के नहीं छोड़े बिल्कुल। ये मेरी बहुत दर्दनाक, मुझे काफ़ी अजीब महसूस होता है इस चीज़ को लेके। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल, क्या रानू मंडल को किया क्योंकि आपने देखा आप उसकी लाइफ चेंज हो गई है। कहते ना कि 12 साल के बाद तो कुर्डी भी अपनी जगह चेंज कर देती है, 12 साल के बाद। तो हमारी फिल्म में भी जो सावित्री बाई है उसकी भी जगह चेंज हो जाती है, तो हमने वो दिखाया जैसे रानू मंडल की जिंदगी एक अलग मुकाम पर पहुंच गई है कि वो सेलिब्रिटी हो चुकी हैं। तो हमारा सावित्री बाई जो टैलेंट नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अच्छाइयाँ, अच्छे कर्म उसको इतने बड़े घर में पहुँचाते कि उसको परिवार मिल जाता है और उनको बाई मिल जाती, मतलब अपनी आई मिल जाती है उनको। हमें हाँ, ये फिल्म हमने इंटरनेशनल सब्जेक्ट है हमारा और हम इसको बाहर भेजेंगे और इंडिया के अंदर भी हम लोग चाहते हैं कि ये फिल्म घर घर में जाए और घर घर में सबक मिले। आज के जो बच्चे होते हैं उनको ये भी मिले कि जितनी चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत है तो माँ बाप भी उतने ही ज़रूरत है, उनको मत छोड़ो। क्योंकि बचपन और बुढ़ापा बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जब ये चीज़ें सोचते हैं ना बच्चे को, माँ बाप पालते हैं और उम्र के बाद उनको छोड़ देते हैं, तो एहसास माँ बाप को ही हुआ उन चीज़ों का। समाज में कुछ चेंज आएगा इस फिल्म को ज़रूर पक्का आएगा, क्योंकि क्या रानू मंडल इतना बड़ा उदाहरण दे गई है। तो अधूरे आंचल तो हम उन्हीं से मोटिवेशन होके ये फिल्म बनाई है ताकि लोग देखें कि कितना अचीवमेंट कितना होता है, कि किसी को आज की डेट में कुछ पता नहीं कि कब किसके सितारे बुलंद हो जाएं, कुछ पता नहीं चलता है। हमारा ये सोच रहा है कि हम ये दोनों फिल्में हमारी 2020 में जाएंगी, हम दोनों फिल्मों को 2020 में ही रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच, और गणपति पापा मौर्या और आप लोग मीडिया है, आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ के जहाँ हम लोग रह रहे हैं और ये हमारा जो यारी और मित्र मंडल के जो संस्थापक हैं उनके लोगों ने, उन लोगों ने बहुत हमारा सहयोग किया है और हम यहीं रहते तो इसके लिए हमारे लिए तो गणपति पापा और ये लोग बहुत पूजनीय है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सतीश परब है, मैं यारी गली मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ और हमारा ग्रुप जो है ये हर साल में तकरीबन 4 से 5 इवेंट करके आया हुआ है और हर में अलग अलग हम ऐसे विषय लेते हैं जिससे लोगों को उसके बारे में न्याय दो। और इस टाइम हमने गणेश उत्सव में एक फार्मर के ऊपर लिया हुआ है, जो फार्मर की कंडीशन क्या होती है उस विषय पे हमने एक अच्छा सा हमारा एक व्यू था कि वो हम लोगों को दिखा दे और उससे कोई लोगों में अगर 2% भी उसमें से अगर समझदारी आ गई तो हमारे लिए वो बड़ी बात होगी। और गणपति बापा तो सबके दाता है, मैं तो ये चाहूँगा अधूरे आंचल के जो टीम है उनको गणपति बापा एक ऊंचे शिखर तक लेके जाए, यही मैंने कामना पूर्ण की। सोशल वर्क है तो आप, क्योंकि ये भी सोशल मैसेज पे फिल्म है, खुशियां अधूरे आंचल की। तो मैं यही चाहता हूँ कि गणेश जी हर एक की मनोकामना पूरी करें। मेरा नाम राजेश रासम है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। हमारे मंडल ने जो किया आपने देखा है कि समाज सेवा का एक सामाजिक विषय लेना हमारी आदत है, हमारे मंडल की यही खासियत है कि हम लोग सामाजिक विषय लेते हैं। बॉबी जी ने भी ऐसा सामाजिक विषय लिया जो दिल को छूने वाला है, ऊपर वाला जो हमारे पीछे भगवान विघ्नहर्ता खड़े उनके हर विघ्न दूर करके इनकी जो फिल्म है ऊँचे शिखर तक जाए और इनके फिल्म के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं आज के नौजवान हैं बच्चे जो माँ बाप के लिए एक माँ बाप उनको बोझ लग रहा है वो सब मिटा दे, विघ्न ख़त्म कर दे और इनको ऊँचे शिखर तक पहुँचा के
ऊपर वाले इनको और हिम्मत दे कि सामाजिक विषय पे ये और कुछ ना कुछ बनाते रहे और हमारे समाज को कुछ देते रहे। नमस्कार। सभी आ जाओ, आर्टिस्ट वगैरह सभी आ जाओ, सभी आ जाओ, सभी मम्मी पापा भी आ जाओ, सबके आ जाओ। कहाँ से? थोड़ा सा पीछे, थोड़ा यहाँ से। हाँ, सब गणपति बाबा मौर्या बोलो। हाँ, गणपति बाबा मौर्या सारे जोर से बोलेंगे। रोल।